खान साहब ने जो बोला यहाँ पे, सब लोग को तो मालूम है कि आप उनकी बहन है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहती है? खान साहब ने जो पैगाम दिया, जो अपने खदशात का इजहार किया, क्या है वो दुरुस्त दिए हैं या क्या है? अवाम का रद्द अमल क्या होगा अब खान साहब कहते जो अपने व्यूज दिए हैं? खान उन्होंने तो हमेशा ही सही देते हैं, वो लोगों को पहले से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या वो करने वाले हैं, तो जाहिर है इसमें तो बिल्कुल उनका जो भी वो कह रहे हैं वो पहले से लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ना वो किसी की ज़िंदगी का ख्याल कर रहे हैं, ना वो लोगों को भी पकड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। अच्छा आपा, जो आज इन्होंने रास्ते सारे ब्लॉक किए हुए थे, लेकिन अवाम का इतना जमे का पीर यहाँ पे आया हुआ और अवाम ने अपना रेफरेंडम में जवाब दे दिया के की रेफरेंडम हुआ, आपके क्या है कि अब जो इन्होंने इंतखाबात की डेट आगे की है, तो क्या आप टाइम पे जो 30 तारीख के इंतखाबात की डेट दी है इंतखाबात करवाएंगे या इसके ऊपर भी खान साहब कोई देंगे अपना लाहे अमल आगे का? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का ताकत देख लें और जमहूरियत में तो लोगों की ताकत होती है। अच्छा आप अवाम में एक और चीज़ जानना चाहती है कि अवाम की मोहब्बत तो खान साहब से बहुत है, एज ए पॉलिटिकल भी, एज ए उनके प्रोफेशन भी, क्रिकेटर भी, एक भाई वो कैसे हैं, एक फैमिली मेम्बर वो कैसे हैं? बस वो सब चीज़ों में बहुत बेहतरीन है, भाई बेटा बाप वो सब सारे मामले में वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा यहाँ पे ना अब एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है जी कि खान साहब खुद तो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी फैमिली ग्राउंड पे रहती है, जनरल पब्लिक के बीच में रहती है, तो ये किस वजह से आप लोग कभी ऊपर स्टेज के ऊपर खान साहब के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम स्टेज वाले हैं भी नहीं और ना हम इन चीज़ों में यकीन रखते हैं। खान साहब इसी चीज़ को तो बदलने आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।